अभी आपके चरण में दो चीजें हैं, एक वह जो काम आप करते हो वो क्या है, जनजागरण का काम। प्रतिदिन प्रभात फेरी इत्यादि के माध्यम से जाते भी हैं, जगाते भी हैं और समाज को एक तरीके से जागरूक भी कर रहे हैं कि राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के निधि समर्पण अभियान का प्रारंभ हो रहा है। यह जागरूक का काम है और इसके नित्य प्रति इस काम को करते रहते हुए भी वास्तविक काम घर के अंदर तक जाने का है। हमारे विवेकानंद शिलाई स्मारक से जुड़े हुए अपने अधिकारी थे सरकार पिग्नी जी, वो अपनी बॉडी को इस बात कहती थी, एक रिक्शे वाला था, रिक्शे भारी से सवारी बैठी थी, गर्मी का दोपहर ही थी और रिक्शे में हाँपते हुए लू में ले जा रहा था। अचानक एक तरफ ले जाकर के उसने रिक्शा खड़ा कर दिया, सवारी बैठी थी उसने पूछा क्यों साइड में कर दिया, बोले बाबू की हवा नहीं है। तो बोले तो आ रही है, तुम कह रहे हवा नहीं है, तो बोले बाबू जी पहिए में हवा नहीं है, हमको क्या करना है, हवा को बन गई लेकिन घर तक नहीं पहुंचे तो हवा का हुआ क्या, घर तक पहुंचे केवल बातें करके चले आए तो क्या होगा। मौजे को लगा लिया, जो भी हम काम कर रहे हैं जुलूस निकाल दिया, प्रभात के लिए निकाल दी, वाइफ के लिए निकाल ली, लेकिन ऊपर लेकर के किसी समाज के निचले पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की कुंडी नहीं खटकाई, चाचा बाबा भैया बहन माता जी पिताजी कुछ दे रहे हो, और कहा बेटा मेरे पास तो 10 रुपए है, वहां तक नहीं पहुंचे। तो इस हवा का अर्थ क्या है, 75 ये तो हुए, 4.5 से मुकंदन हो गए, लेकिन वे सब युद्ध एकाकी युद्ध थे। एकाकी माने नियमों की सेना गई तो नियमों की गई, अगर किसी अखाड़े की सेना गई तो अखाड़े की गई, जिस समय ढांचा टूट रहा था उस समय भी 3000 साधु बलिदान हुए लेकिन पूरा देश एक साथ नहीं खड़ा। 1983 से जो अभियान हमारे संघ के कार्यकर्ताओं के साथ विश्व परिषद के नेतृत्व में चला है उसमें जन जन जाने तक जाने का काम है। पहली जो हमारे रामचिला के लिए लेके रहे थे, मैं भी याद रहे थे, बहुत से गाँव में गया था कुंडोला नदिया के आसपास, तब लोगों को पहली बार पता चला कि रामलला जेल में भी बंद है क्या, वो समझते थे अयोध्या मंदिर बना होगा जाने क्या, वो जो नहीं गया उसे क्या पता है, लेकिन वो ताले में बंद है घूमत है पहली बार पता चला था, अच्छा ऐसा है तो हमें कुछ करना है। 1 रुपया एक किलो समय ली थी, आज 5 लाख गाँव तक पहुँचना है, फिर भी देश का छठवां हिस्सा रह जाएगा, 1 लाख गाँव रह जाएंगे। अपने आगरा महानगर प्रेस प्रांत में वापस लाख परिवार माने गए 3.5 करोड़ आबादी के, उनमें से 40 लाख परिवारों तक की सामग्री आ गई और पहुंच भी गई। 40 लाख पत्र जिसमें से आगरा महानगर परिवार के केवल शेष है, कूपन आ गए, 10 रुपए को कूपन नहीं आए, अभी एक आदमी आएंगे तो दोबारा जाएंगे, 1000 रुपए को कूपन कुछ हम कम आए थे, एक आदमी आएंगे तो दोबारा जाएंगे, लेकिन अपनी टोली के साथ अपना तालमेल आवश्यक, अन्यथा हवा तो बह रही होगी पर ये में नहीं होगी। और इसी प्रकार से कार्य है, पिछले 8 दिन से चल रहा है, अब और चलेगा, जब तक अभियान है तब तक चलेगा। तो क्या हम में से कुछ सुनिश्चित कार्यकर्ता नित्य प्रति यहां आकर के जानकारी देंगे कि हमने क्या किया और क्या करना है, करने केंद्र बिंदु होता है, केंद्र बिंदु पर गतिविधि का पता लगता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, नहीं है तो घर से पता नहीं लगता। और इसलिए यहाँ पर अपने दिलीप जी पूरा समय लेकर के बैठते रहे हैं, अपने विधायक के प्रधान जी पूरे समय बैठते हैं, उन्हें सब पता है, लेकिन यहाँ तक आना जाना एक निश्चित समय कोई रखा जाए, 5 से 7, 7 से 9 वो समय रखा जाए, उस समय में केवल आएंगे जो जाएंगे अपने समाचार दे जाएंगे, आगे की सूचना दे जाएंगे, क्योंकि यह संभव नहीं है कि सब तक फोन करके नित्य प्रति सूचना पहुंचेगी, ऐसा होता भी नहीं है। और कार्यालय पर जवाब दिए, फिर कार्यालय तक पढ़ते हो, कार्यालय से वापस जाते हैं और नित्य एक नई ऊर्जा भी आती है कि हमने इतना कर लिया अब आगे करेंगे। तो थोड़ा सा अब तक तो मेरे मन में महसूस हो रहा था कि कार्यालय से नित्य संपर्क का अभाव है, वो पूरा होना आवश्यक थी। बात अपनी टोली में जैसा आपके पिछले 10-12 दिनों से महानगर में बैठकें भी चल रही हैं, उन बैठकों में जुड़ करके कैसे पहुंचेंगे, हमारी भूमिका क्या है,
अधिकांश विश्व उपस्थित के कार्यकर्ता है यहाँ पर, और नीचे तक हर गली मोहल्ले में कार्यकर्ता भी है, तो हमारे ध्यान में यह भी आना चाहिए कि हमारा कार्यकर्ता उस टोली से जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया। इतिहास भी कहेगा 1983 से लेकर के राम मंदिर निर्माण तक, जब तक इसका फिर से मंदिर निर्माण होने के बाद में जिसको कहते हैं उद्घाटन हो जाएगा, तब तक ये माना जाएगा विश्व गुरु परिषद के नेतृत्व में यह आंदोलन चला था। नीचे तक प्रयास किया है तो विश्व गुरु परिषद का कोई अधिकारी या कोई कार्यकर्ता उसका प्रमुख होगा ऊपर से नीचे तक। फिर संगठन के नाते विश्व गुरु परिषद के कार्यकर्ताओं का एक विशेष दायित्व भी आ जाता है, सबको लेकर के साथ चलने का काम, टोली में जुड़ने का काम, केवल हम ही नहीं है, हर क्षेत्र के अंदर बड़े बड़े मंदिर भी हैं, हर मंदिर है, उस मंदिर में आने जाने वाले संत या भक्त जब उस आंदोलन से जुड़ गए क्या, उस संत परंपरा को अपने क्षेत्र की टोली से कौन जोड़ेगा। 14 तारीख को अपने मकर संक्रांति के बाद 15 तारीख को जो पहली टोली निकलेगी उसमें ढोल मजीरे देते हुए भगवा वस्त्रधारी अपने मंदिर का पुजारी के साथ चलना होगा, उसका संदेश कुछ और होगा। केंद्र की टोली स्वामी सुभाष देवानंद जी से बातचीत हुई और लंका में मेरा तो वो सब तो करेंगे, लेकिन एक इसी क्षेत्र में मैं इस मंदिर निर्माण के लिए दिव्य समर्पण के लिए भिक्षा मांग के ही जाना चाहता हूँ। जो काम स्वामी वासुदेवानंद जी कह सकते हैं वो हमारे प्रतापनगर के अमरावा शिखर कहीं के पुजारी सब क्यों नहीं आकर कर सकते, ये भी करने का काम है। चलो किसी वस्तु में चलो, आपके कारण से लोग प्रसन्न होंगे कि आज हमारे मैत्री जी भी आए, उनके मन के अंदर उत्साह जाएगा, चार घरों में गए 10 रुपए का कूपन कटवाया, 50 रुपए का 100 रुपए का कटवाया, वो चले गए, उस अभियान को गति मिलेगी। इस सामाजिक दृष्टि से संगठन जो संदेश देना चाहता है जन जन तक पहुंचने का काम, अपने बड़े देव जी आए वो कहते हैं कि अगर उस समय भी पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ था तो किसी को तोड़ने की हिम्मत ना होती, और इसलिए हमने पूरे देश को एक साथ लेने का प्रयास किया है। पूरे देश के 25 करोड़ में से 12 करोड़ परिवार अर्थात कोई 7 करोड़ जनसंख्या उसके द्वारा सीधा सहयोग आने वाला है। दूरस्थ बहुत सारे क्षेत्र ऐसे होंगे जहां पहुंचना कठिन है, संगठन के अंदर भी कई कई ऐसे क्षेत्र होंगे जो दुर्गम क्षेत्र नहीं पहुंच पाएंगे, तभी 50% जनसंख्या तक पहुंचने का इतना बड़ा अभियान जिसमें सार को टिप्पणी करता है कि दुनिया के अधिकांश देशों की चीन और भारत छोड़कर के आबादी से ज्यादा पहुंचने वाले हैं, इन दो देशों को छोड़कर के शेष देशों की किसी की जनसंख्या 20 करोड़ से ज्यादा नहीं है, इतने बड़े क्षेत्र में पहुंचने वाले हैं। और हमें ये गर्व होगा जिस पीढ़ी के काल में ये मंदिर निर्माण हुआ उसमें गहरी तरह से हमारा भी कोई योगदान लगा था। हम जैसों को ये याद है कि विवेकानंद शिला जब बनी थी उसका जो स्मारक बना था तो कॉलेज विद्यार्थी नाते 1 रुपया मैंने भी लिया है, ये बात दृष्टि पटक पर नहीं जाती है, भूति नहीं है। ऐसे जिसका 10 रुपये का कूपन जाएगा वो अयोध्या पहुंचा कि नहीं पहुंचा ये परिस्थिति समय बताएगा, लेकिन उसे मंत्री का जब सुनेगा तो उसे ध्यान आएगा कि मैंने भी कूपन दिया था। समाज को जोड़ने के लिए यह महत्वपूर्ण काम है, और इसलिए दो काम करने के जिनको जिम्मेदारी मिली है नहीं भी मिली है तो वो अपने संगठन के दही के मुखिया हैं 5 से 7 के बीच में। 15 मिनट को भी इस कार्यालय तक आए जो कार्यकर्ता बैठते हैं उनका मनोबल भी बढ़ेगा, और बता गए हमारे क्षेत्र में ये हुआ, हमारे क्षेत्र में ये हुआ, हमारे क्षेत्र में ये हुआ, समाचार भी यहीं से जाए ये प्रयास होना चाहिए, या पता हो न जाए तो भी प्रयास होना चाहिए। दूसरा अपने क्षेत्र के अंदर टोलियां बन रही है, अपने संघ की टीम बाकी टीम घर में थी पिछले 8 दिन से स्वस्थ नहीं थे, लेकिन कल से हो रही वैसा मैं निकलूंगा, कल भी थे आज भी है, मैंने कहा कि 4 सेकंड आउट हो गया था, लोग तो आप रुकोगे नहीं, लेकिन मन के अंदर पीस होती है, सतर्कता लगती नहीं लगती, इसलिए कार्यकर्ता चल नहीं पड़ता। तो मेरे ख्याल इसलिए आ गया कि वैसा आ जाओगे तो आपके सामने सब लोग दिखाई देंगे कि मेरे कल भी थे, तो एक ये पीस हम सबके मन में निश्चित रूप से है, उसमें कोई कमी नहीं, लेकिन उसका क्रियान्वयन पहिए के अंदर हवा पहुंचने तक का काम वो हमें कृति से होगा, योजना से होगा।
15 से लेकर के और 23 तारीख एक सप्ताह का उस समय मिला है। एक बार आगरा की कोई कुंडी बचे नहीं, घर बचे नहीं जिसकी कुंडी नहीं खटखट रही। बहुत क्षेत्रों में हमारे बहुत सारे कर्ता है, लेकिन समाज में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जैसे आगरा से मेरे पास एक फोन आया, ना बता के कोई आपत्ति नहीं, अनुराग शुक्ला टू गवर्नमेंट, ठीक है भाई, तो मैं आगे ठीक है मुद्दा नहीं है, पूरे अर्जुन जी कामिल हो गए मेरे भाई साहब, बताओ मैं ऐसा ध्यान में एक टोली बनाना चाहता हूँ, आप कामिल हो गए मेरे भाई साहब के जरिए जाऊंगा, अरे नहीं मैं यहाँ जाऊँ मेरे जरिए आपको सुना होगा। तो लोग अपने आप कह रहे हैं कि मैं जुड़ना चाहता हूँ, केवल हमारे उनके द्वार पर दस्तक देने की आवश्यकता है। ये कार्यकर्ता के रूप में ये भूमिका जो निभा लेंगे, तो जैसे मैं कहता हूँ कि मैं 83 सुन रहा हूँ, आप भी कहोगे आपकी जुड़ी है।